तानसेन अब सर्कस में आ गया, आ गया। निकम्मी कामचोर, जब देखो तब बैठी रहती है, इतना समझ में नहीं आता सास कब से खड़ी है, उसके पांव दर्द करते होंगे, हाथ दर्द करते होंगे, जरा दबा दू, समझ में नहीं आता। हाँ माँ जी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, भारती को बोल दिया। हाँ? वो आपके हाथ भी दबा देगी, पैर भी दबा देगी, गला भी दबा देगी, और जब भारती हाथ पैर दबाती है ना माँ जी, तो इंसान बैठता नहीं है, परमानेंटली लेट जाता है। अच्छा। तो मुझे भरी जवानी में मारने का तेरा इरादा है, लेकिन मैं ये तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। अरे मैं भी घर घर खेली हूँ, समझी ना, बुला ले दूसरी दोन बहुओं को, वो तुझे सीधा करेंगी। हाँ हाँ बुलाती हूँ, प्लीज वेलकम उत्तरन की इच्छा यानी कि टीना दत्ता, और यहाँ मैं घर घर खेली से आभा यानी कि सुहासी गरोड़िया। खा ले ना बेटा, खा ले। अरे बेटा तू खाएगी तो मेरे अंग लग जाएगा, खा ना बेटा। डोंट वरी, ये क्योंकि सास भी कभी माँ बनेगी नहीं चल रहा है, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इनके बेटे के साथ अपना हनीमून प्लान कर रही हूँ, और साथ में ये मेरे ससुर के साथ हनीमून पे जाएंगी, उनका लास्ट हनीमून। अब जवानी के मून पर बुढ़ापे पे ग्रहण कैसे लगता है, इन्हें यही दिखाने आ रहे हैं यंग कपल स्वप्निल और टीना एंड ऑल कपल VIP एंड सुगंधा। बैड मैन, नमस्कार। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो होटल है, मैं इसका मालिक हूँ। इस होटल का नाम है होटल लगे रहो। जॉनी भाई न जाने कितने कितने लोग इस होटल में आए और अपना हनीमून मना के गए। ये गुलशन भाई भी एक बार आए और अपना हनीमून मना के गए, फिर शादी के बाद एक बार आए और अपना हनीमून मना के गए। खैर जिसको जितनी बार आना अपना हनीमून मनाना है मना सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। क्या होटल लगे रहो यही है क्या? हाँ हाँ होटल लगे रहो यही है क्या? चाचा पोते के लिए हनीमून बुक कराने आए हो? अरे ओ खोते, पोते के लिए नहीं, मैं अपने लिए बुक करने के लिए आया हूँ। वाह 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 वाह। क्या चाचा 41 साल लेट हो गए तुम हनीमून करने में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपने लिए आए हो तो लड़की कहाँ रह गई, हम तो यहाँ सिर्फ कमरा देते हैं। दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बॉटल में डाल के इसको दवा दे, मर जाएगी खास्ते खास्ते। फालतू की बातें मत सुन, सामान उठा। हाँ हटो हटो, सामान उठाता हूँ, आओ चाची। सामान बोला है, माल नहीं बोला है। चाबी दे जल्दी से, जल्दी दे। अबे पहले पियानो बजाना बंद कर। ये है आपका कमरा और ये रही चाबी। वेरी गुड, दिस वे प्लीज। ए जी क्या हुआ? लगता है ताला गलत है। अरे चाची ताला सही है, इसका हाथ गलत है, बूढ़ा हो गया, चाबी नहीं लग रही ताले। अबे तू चाबी नहीं लगा पा रहा, हनीमून क्या खाक मनाएगा चाचा। अरे चाची। खबरदार, जो मेरी बीवी को गंदे गंदे इशारे किए, तू मुझे जानता नहीं है और तू इसे नहीं जानता, ये बहुत जल्दी मान जाती है। अरे ओ चाचा, मैं इनको गंदे गंदे इशारे नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बख्शीश। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अबे मैं मांग रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तुझसे, दफा हो, दफा, चल। अरे कहता हूँ इंग्लिश सुन ले, शट अप, सॉरी नॉनसेंस ना। ध्यान रखना कि कोई आए ना हमें डिस्टर्ब करने। तुम मेरे करीब आ जाओ। दिल में है तूफान भरा, आज ना छोड़ूंगा तुझे, दम दमा दम, हनीमून करके रही अपने। आजा। रेड पड़ गई। भाई क्यों डरा रहे हो, मेरी
पहली पहली शादी हुई है, कोई रेड वेड नहीं पड़ी है भाई। और तुम दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे कमरे में, तुम दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे ए, माचिस जलाना बंद कर बुढ़ाओ। मेरे पास इसकी चाबी है, मैनेजर ने दी है, ये देख 66 नंबर 66 अंग्रेजी में। अरे वो 66 हम दोनों का पहले से ये कमरा है फिक्स, ठीक से देख 99 थोड़ी गलती हो गई मोटा भाई, हम जा रहे हो अपने कमरे में। ऐसे कैसे गलती हो गई है? अरे ओ चाची, अभी गलती तो जवानी में जवानों से ही होगी के नहीं, क्यों अर्चना? हम जरा बाजू के अपने कमरे में जाते और अपना हनीमून मनाते, तुम लोग इधर बैठ के खेलो लूडो नहीं तो सांप सीढ़ी। अबे निकल जा कल मुहे, चला जा यहाँ से। अर्चना आजकल के लोंडो को जवानों की कोई पड़ी नहीं है। वाह वाह वाह, लड़का बड़ा बदमाश था लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी। चुप तो हो गए, ये बुड्ढे बुड्ढी ने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। अरे हसीना, बुड्ढे बुड्ढी को मारो गोली और जरा कमरा तो देखो, टीवी वीवी है? जरा मेरे पास तो आओ, जरा मेरे साथ तो बैठो। अरे ओ बैठी रहोगी या कपड़े भी निकालोगी? कपड़े निकालो सारे? हाँ सारे। तुम्हारे भी? हाँ मेरे भी। अच्छा वाह, सुनिए तो जरा क्या बोल क्या रहे ये लोग। तो नदी ये नाड़ा नहीं खोल रहा? अरे इतना टाइट बांध दी कि वो जो नाड़ा नहीं खुल रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, एक काम करो चक्कू से काट दो। अरे ए, अरे बूढ़ा उसको नाड़ा काटने को बोल रहा है। गाड़ी पुरानी है लेकिन पिकअप तो सॉलिड लेती है। मींस के पिकअप से कुछ नहीं होता है, एंड में तो जाके एवरेज ही अच्छा होना चाहिए, क्यों भाई? अरे अरे कितना जुन कर रहा है उस पे। अरे बूढ़ा अभी ये हाल कर रहा है तो साला जवानी में क्या करता होगा। ये लो दूध पी लो। तुम्हें पता है मुझे डायबिटीज और तुम दूध में शक्कर डाल के लाई हो? भगवान कसम मैंने दूध में शक्कर नहीं मिलाई। फिर हिला क्यों रही हो? अब पी ही जाओ। ठीक है। माँ का फोन? हाँ माँ। हाँ हम दोनों पहुँच गए। क्या गाय ने आज दूध नहीं दिया? अरे बोलो, उधर बुढ़िया ने बुड्ढे को दूध दिया, इधर इसकी गाय ने अभी तक दूध नहीं दिया। अरे क्या जमाना आ गया है। अरे बोले तो इसकी माँ का फोन कभी भी आ जाता है, वक्त पे भाई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि वो बात बोली दूं। तो बोल भी दो। बुड्ढा बुड्ढी ने ये उम्र में साला पलंग तोड़ डाला। पलंग की तोड़ डाला? हाँ हाँ, तो हसीना ये गलत बात है, उधर होटल वाले का। शट अप! तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, गुड फॉर नथिंग। पता नहीं तुमसे शादी क्यों की। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात पलंग तोड़ने की ना, मैं भी तोड़ता हूँ। ये देख तुमसे अच्छा तो ये बुड्ढे अंकल है। अरे नहीं नहीं हसीना, अरे मेरा हनीमून खराब कर दिया ये बुड्ढा बुड्ढी को, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसकी ऐसी की तैसी। आ देखो दूसरा राउंड हो ही गया है। अरे दूसरा राउंड तो बनता है, अभी हमने कुछ किया ही कहा है, अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे आदमी है के सेता। सुनो जी, हनीमून तो मना ले लेकिन इन सब लोगों के सामने। घबरा क्यों रही हो? शटर डाउन कर देता हूँ मैं। आई शटर डाउन। बहुत खूब।
अर्चना क्या ख्याल है इस हॉट हनीमून और लाफ्टर राइड के बारे में? What a lovely time you gave us, Swapnil, VIP, Sugandha, and Tina. All four of you deserve this. I think the act, the setup, concept, बहुत बढ़िया था और आप चारों की performances were very good. दलेर जी, आपको कैसा लगा ये हनीमून का तरीका? ये हनीमून का तरीका बहुत बहुत देर तक याद रहेगा. कमाल है, ये जोड़ी तो बहुत ही कमाल रही आज. हाजी, क्या बात है, आज आपके रोमांस ने दिए जला दिए. जानी जी, मजा आया इस कॉन्सेप्ट को देखकर? अरे बस, मेरे पास लाइट नहीं तो ट्यूबलाइट जला देते. बुढ़िया ने तो कमाल ही कर दिया. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑल ऑफ यू. थैंक यू. दिलेर पाजी, इस रोमांस को कितने नंबर मिलेंगे? 10 points. थैंक यू.